भारत के कई हिस्सों में ऐसे कई झील हैं, जहां आज भी हजारों सैलानी घूमने के लिए जाते रहते हैं, जैसे पेंगोंग झील, पुष्कर सरोवर, बिंदु सरोवर, डल झील और कैलाश मानसरोवर झील। कुछ ऐसे भी झीलें भारत में मौजूद हैं, जो वैज्ञानिकों और हजारों सैलानियों के लिए आज भी एक रहस्यमय झील है, जैसे महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित लोनार झील। इस झील का पानी कभी गुलाबी तो कभी ग्रीन हो जाता है। कुछ इसी तरह उत्तराखंड के हिमालय में स्थित रूपकुंड झील भी है, जो एक रहस्यमय झील है। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये झील हिमालय की तीन चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल के नाम से जाना जाता है। ये झील उन्हीं तीन चोटियों के बीच स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है। लोगों का कहना है कि यह एक कंकालों की झील है, जहां 10वीं शताब्दी के कई कंकाल आज भी मौजूद हैं। आज हम आपको इस झील के बारे में करीब से बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों इस झील को कंकालों की झील कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले इस झील को एक ब्रिटिश यात्री फॉरेस्ट गार्ड ने देखा था। तब उनका मानना था कि ये कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हताहत हुए सैनिकों के हो सकते हैं। कहा जाता है कि ये जगह तकरीबन 6 माह बर्फ से ढकी रहती है। साल के ज्यादातर वक्त तक इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में घटती बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है, तब ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। इस झील के आसपास गहने, बर्तन, चप्पल और विभिन्न उपकरण भी बिखरे हुए हैं, जिसे देखकर इसे कंकाल झील और रहस्यमय झील भी कहा जाने लगा है। लोगों का कहना है कि इस झील में लगभग 200 से अधिक कंकाल आज भी मौजूद है। तकरीबन आधी सदी से मानव विज्ञानी और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। उनके सामने कई सवाल थे, मसलन ये कंकाल किन लोगों के हैं? इन लोगों की मौत कैसे हुई? ये लोग कहां से आए थे? वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं और ये झील उनकी जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। इस झील में मिले कंकाल को देखकर कई जानकारों और शोधकर्ताओं के अलग अलग अनुमान हैं। किसी का कहना है कि ये भारतीय हिमाचल क्षेत्र में मौजूद लगभग 400 साल से भी अधिक प्राचीन कब्रगाह है। कहा जाता है कि ये लोग पूर्वी भूमध्य सागर के लोग हो सकते हैं। किसी का कहना है कि ये कंकाल किसी एक समय का नहीं, बल्कि दो घटनाओं में मारे गए कुछ लोगों के हो सकते हैं। वहीं किसी का कहना है कि ये अवशेष किसी तीर्थ यात्री दल के हैं। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि तिब्बत के युद्ध से कुछ सैनिक लौट रहे थे, लेकिन खराब मौसम की चपेट में आ गए। वहीं एक अन्य कहानी इस झील को लेकर ये है कि एक राजा अपने पत्नी और सैनिकों के साथ जा रहा था, लेकिन बर्फीली आंधी में फंसने के कारण उनकी मौत हो गई। बहरहाल ये झील आज भी रहस्यों से घिरी हुई है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।